यूपी के सीतापुर तहसील महमूदाबाद में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री व सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश कुमार यादव के जन्मदिन पर क्षेत्रीय विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद व महिला चिकित्सालय महमूदाबाद में पहुंचकर मरीजों को फल, ब्रेड व बिस्किट वितरित कर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की लंबी आयु की कामना करते हुए विधायक नरेंद्र सिंह वर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए अनेक विकास कार्य किए हैं। इनके द्वारा प्रदेश में करवाए गए विकास कार्यों को नकारा नहीं जा सकता। और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिवस है। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में महमूदाबाद के सभी गणमान्य अतिथिगण, पार्टी के पदाधिकारी लोग महिला चिकित्सालय में और पुरुष चिकित्सालय में आकर के मरीजों को फल, ब्रेड और बिस्कुट का कार्यकर्ताओं द्वारा वितरण किया गया। हमारी कामना है कि महमूदाबाद में चिकित्सा और अच्छी मरीजों को प्राप्त हो। यहाँ पर हम खड़े हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार के कार्यकाल में ये महिला चिकित्सालय 30 बेड का बनकर तैयार हो गया है। बहुत जल्दी ये इसमें मरीज हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे। बगल में हमारा जो पुरुष चिकित्सालय है वो पुरुष चिकित्सालय आगामी 4 वर्ष के लिए बिल गेट फाउंडेशन के मिलिंडा फाउंडेशन को चलाने के लिए दिया गया है। प्रदेश में 3 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक लखीमपुर जनपद के और 1 ब्लॉक महमूदाबाद ब्लॉक, यहाँ का संचालन मिलिंडा फाउंडेशन करेगा। पिछले कार्यकाल में हमारा बाबूपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शेखपुर बरौली का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, भोलकुड़ा का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पोखरा कला का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अहिबनपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चांदपुर बाजार का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मानापुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, किशनपुर का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मीरानगर CSC, इनका निर्माण पिछली सरकार के कार्यकाल में हुआ था। महमूदाबाद शहर पुराने महमूदाबाद में अर्बन अस्पताल भी खुल करके संचालित हो गया है। अभी हमारा किशनपुर में कुछ जमीन का डिस्प्यूट आ गया, हमने सीमो से DM साहब बात करी है, वो विवाद कोई है नहीं, जमीन स्वास्थ्य विभाग के नाम दर्ज है। मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग बहुत जल्दी उस पर PSC का निर्माण करेगा। पोखरा कला, भोलकुड़ा आदि अस्पतालों की और मीरानगर CSC की द्वितीय किस्त जारी नहीं की गई, जिस कारण इन अस्पतालों का भवन के निर्माण का काम रुक गया है। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार बहुत जल्दी इन अस्पतालों की द्वितीय किस्त जारी करेगी और इसमें महमूदाबाद की जनता का सहयोग भी चाह रहे हैं। जनता, बुद्धिजीवी, महमूदाबाद आम नागरिक के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दलों को सहयोग चाहेंगे कि इस मामले में हमारी मदद करें।